हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है टॉप क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो टी और बेम्बू का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा असम में होता है। जितने भी हमारी कंट्री में स्टेट्स हैं, सबसे ज़्यादा जो टी और बेम्बू है उनका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा असम में होता है। ठीक है, तो जो चाय, टी मीन्स चाय, बेम्बू मीन्स बम्बू, जो बम्बू का प्रोडक्शन है यानी कि उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा असम राज्य में होता है, असम स्टेट में होता है। ठीक है, इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक भी है याद रखने की, जिससे आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। इसकी ट्रिक है ऑल द बेस्ट। ऑल ए मीन्स ऑल, टी मीन्स द, बी मीन्स बेस्ट। तो ऑल द बेस्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑल मीन्स ए मीन्स असम, टी मीन्स टी और बी मीन्स बेम्बू। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि जो टी है और जो बेम्बू है इसका जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा असम में होता है। ठीक है, इस ट्रिक के जरिए आप इसको याद रख सकते हो। चलिए, सिल्क और कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा कर्नाटका में होता है। सिल्क और कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? वो होता है कर्नाटका में। ठीक है, इसको आप कैसे याद करोगे? देखिए, उल्टे देखिए, सी एस के, इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है सी एस के। आपको पता है जो आई पी एल होता है क्रिकेट का, वो आई पी एल में एक टीम है सी एस के, चेन्नई सुपर किंग्स, जिसका एम एस धोनी जो है वो कैप्टन रहा है अब तक, है ना, एम एस धोनी। तो जो सी एस के टीम है उसकी आई पी एल की, उसके धोनी कैप्टन है। तो इसके जरिए आप इसको याद रख सकते हो। सी मीन्स कॉफ़ी, एस मीन्स सिल्क, के मीन्स कर्नाटका, सी एस के, सी एस के, सी एस के। तो इस ट्रिक के जरिए आप इसको याद रख सकते हो। सिल्क और कॉफी का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा कर्नाटका में होता है। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश। तो जो शुगर कैन, पोटैटो और वीट का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, यूपी में होता है। गन्ना, आलू और गेहूँ, गन्ना, आलू और गेहूँ का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। शुगर कैन, पोटैटो और वीट, ठीक है, इनका जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा यूपी में होता है। इसको आप कैसे याद करोगे? इसको आप कैसे याद कर सकते हो? देखो, इसके लिए आपको एक सेंटेंस याद रखना पड़ेगा कि जो यूपी का एसपी है, यूपी, यूपी का, ये थोड़ी हिंदी में ट्रिक है, यूपी का एसपी, यूपी का एसपी जो है, यूपी का एसपी वीट, मतलब गेहूँ, यूपी का एसपी वीट का, वीट को उगाता है, वीट को उगाता है, उगाना मतलब प्रोड्यूस करना है ना, उगाना, उगाता है। जो मैं ट्रिक आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप एक कॉपी में नोट कर सकते हो और इनको याद कर सकते हो। तो जो यूपी का एसपी है, उत्तर प्रदेश का जो एसपी है, एस से मतलब शुगर कैन, पी से मतलब पोटैटो, यूपी का एसपी क्या करता है? वीट, मतलब वीट मतलब गेहूँ, गेहूँ का उत्पादन करता है, गेहूँ को प्रोड्यूस करता है ना। इस तरीके से आप इस ट्रिक को याद रख सकते हो। यूपी का एसपी क्या करता है? वीट का उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए, वेस्ट बंगाल। तो जो राइस, पैडी और जूट का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? वो वेस्ट बंगाल में होता है। राइस यानी कि आपके चावल, पैडी और जूट, इनका जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता है। ठीक है, इसके लिए इसको आप कैसे याद करोगे? ट्रिक, इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक ये है कि जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं, जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं, वो राइस खा के, राइस खा के, ठीक है, आप लिख लेना कहीं पर इसको, राइस खा के पीजे मारते हैं। पीजे, पैडी से पी लिया, जूट से जे लिया, पीजे, पुअर जोक्स है ना, पीजे मारते हैं। इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं वो राइस खा के, चावल खा के क्या करते हैं? पीजे मारते हैं। तो इसको सेंटेंस के जरिए आप इसको याद रख सकते हो कि जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं वो राइस खा के पीजे मारते हैं। पीजे है ना, पुअर जोक्स, जिन पर हंसी नहीं आती, पीजे।
तो राइस और पैडी और जूट का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता है। देखिए ट्रिक आप अपने हिसाब से लिखते रहना इनको, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, तो जो सैफ्रॉन यानी केसर, एप्पल एप्पल, तो जो सैफ्रॉन और एप्पल का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर में होता है, ठीक है। सैफ्रॉन और एप्पल यानी कि केसर और आपका सेब हो गया, है ना, इनका जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, जम्मू एंड कश्मीर में होता है, ठीक है। सैफ्रॉन और एप्पल, है ना, इसकी कोई देखो ट्रिक बनती नहीं है, आप इसको अपने हिसाब से किसी भी तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है, इसकी वजह से कोई ट्रिक बन नहीं रही है यहाँ पर। चलिए बिहार, बिहार में क्या होता है, जो लीची होती है, लीची आपने खाई होगी लीची, तो लीची का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वो बिहार में होता है लीची का, ना, तो इसको आप कैसे याद रखोगे, देखो इसकी ट्रिक बहुत सिंपल है, इसकी ट्रिक है आपकी बिल्ली, बिल्ली है ना, कैट, सी बिल्ली, है ना, तो बिल्ली को हम इंग्लिश में लिखते हैं बी आई एल आई, बिल्ली, तो बी आई से बना यहाँ पर बिहार, एल आई से बना यहाँ पर लीची, तो जो लीची का प्रोडक्शन है वो बिहार में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप इसको बिल्ली से याद रख सकते हो, बिल्ली 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 बिल्ली, बी आई को हम यहाँ पर बिहार से मानेंगे और एल आई को हम लीची, है ना, तो बिल्ली बिल्ली बिल्ली। चलिए गुजरात, तो जो कॉटन और ग्राउंड नट है इनका जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, गुजरात में होता है, ठीक है, कॉटन का और ग्राउंड नट का, है ना, इसको आप कैसे याद कर सकते हो, इसको आप कर सकते हो सी जी जी इसकी वैसे कोई ट्रिक बन नहीं रही है लेकिन आप इसको सी जी जी से याद कर सकते हो, सी मतलब कॉटन, जी जी डबल जी आ गया ना इसमें, ग्राउंड नट और गुजरात, तो सी जी जी कोई बन जाए तो आप कमेंट करके बता देना मेरे को, ठीक है। तो जो कॉटन और ग्राउंड नट है उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, गुजरात में, ठीक है, इसको याद रखना। आंध्र प्रदेश, जो टोबैको है, टोबैको का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, तो इसको आप याद रखना। अनियन मतलब प्याज, प्याज का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, अनियन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है महाराष्ट्र में, ठीक है, अनियन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है, ठीक है, इसको आप कैसे याद करोगे, इसको आप लिख सकते हो, ट्रिक लिखता हूँ मैं आपको यहाँ पर, ओ एम, ओम है ना, ओम ओम, इससे आप याद कर सकते हो, या ओ एम जी, ओ एम जी, तो ओ मतलब अनियन, एम मतलब महाराष्ट्र, तो किसी भी तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, है ना। चलिए जो बनाना है यानी कि केला, इनका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है तमिलनाडु में, ठीक है, बनाना का कहाँ होता है, तमिलनाडु में, तो ये आप याद कर सकते हो, इसको आप टीवी से रिमेंबर रख सकते हो, टीवी टीवी टीवी, ठीक है, ये आपकी ट्रिक बन गई यहाँ पर टीवी, तो टीवी से इसको आप याद कर लें। कोकोनट, कैश्यू नट और रबर, इनका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, केरला में होता है, ठीक है। नारियल, काजू और रबर, इनका कहाँ पर होता है, इनका प्रोडक्शन उत्पादन सबसे ज़्यादा केरला में होता है, ठीक है, कोकोनट, कैश्यू नट और रबर, है ना, इसको आप कैसे याद करोगे, इसको आप कर सकते हो KCCR, KCC जानते हो ना, किसान क्रेडिट कार्ड, KCC होता है उसको बोल सकते हो, KCCR, है ना, अगर कुछ बन सकता है तो आप बना सकते हो यहाँ पर KCCR, ठीक है, तो आप इस तरीके से याद कर लें। अगर आपको कोई यहाँ पर ट्रिक समझ में आ रही है तो उस ट्रिक को आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है, बाकी बच्चों को पता पड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताए वो स्टेट्स जिसमें क्रॉप्स जो हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है, इनको आप याद कर लें, क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विजिट अस एट gkmojo.com।